नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है किस्मत 2। और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्मत 2 एक 2021 भारतीय पंजाबी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे जगदीप सिद्धू द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। अंकित विजय और नवदीप नरूला द्वारा निर्मित फिल्म की श्री नरोत्तम जी प्रोडक्शन और जी स्टूडियो द्वारा नियंत्रित किया गया है। एमी बेर्क और सरगुम मेहता अभिनीत। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट। अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगुना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में सिर्फ बीर्क के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पते पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अभी बढ़ता है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुराण तत्वविद है जो सिद्धू पंत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करने के
करते हैं, लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सेना इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्री राम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है में नहीं जाता। ये महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई, जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और बेथुम बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है, क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालात तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथेली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों के बाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं जो उन्हें एक अपराजिक महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लालवनी से मिल जाते हैं जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालवनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के वजह मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी बेर्क और सरगुम मेहता अभिनीत। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट। अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी एक
साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगुना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में फिर वीरक के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के प्रदास राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पते पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अभी बढ़ता है और है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुरान तत्वविद है जो सिद्ध पंत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम इमारत में प्रवेश कर रहे हैं। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्रीराम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है में नहीं जाता। ये महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और बेथो बेगम के कहता है कि उसके पास
खुश होने का कई कारण है, क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालत तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथिली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों में बाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है, जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं, तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं, जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लालवनी से मिल जाते हैं, जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालवनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपूर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के बजाय मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। लेमी बिर्क और सरगुम मेहता अभिनीत। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट। अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना मेहना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बीप्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में सिर्फ बीर्क ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पते पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए
आगे बढ़ता है और है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुरान तत्वविद है जो सिद्धू प्रांत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं। अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि यह उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सेना इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्रीराम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है में नहीं जाता। ये महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और वैथों बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालत तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथेली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों बाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लालवनी से
मिल जाते हैं जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालबनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपूर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के वजह मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी बिर्क और सरगुम मेहता अभिनीत। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट। अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपीदर रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगुना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में सिर्फ बिर्क के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के प्रदास के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पते पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अभी बढ़ता है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुराण तत्वविद है जो सिद्धू पंत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं, लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सेना इमारत में प्रवेश कर रहे हैं। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्री राम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है में नहीं जाता। ये महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई, जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और बेथुम बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है, क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालात तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथेली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों के बाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लाल बनी से मिल जाते हैं, जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालबनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के वजह मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी बेल्क और सरगुम मेहता अभिनीत। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त
शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट, उम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबीला कबील की मां के रूप में रूपी बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में सिर्फ वीरक के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के प्रदास राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पते पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अब बढ़ता है और है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुरान तत्वविद है जो सिद्ध पंत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करने के करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सीमा इमारत में प्रवेश कर रहे हैं। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्रीराम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है नहीं जाता। ये
महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है और भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन वसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई, जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और वैथुम बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है, क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालत तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथेली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों के बाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है, जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं, तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं, जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लाल बनी से मिल जाते हैं, जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालबनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपूर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो जा गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के बजाय मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी बिर्क और सरगुम मेहता अभिनीत ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपी, बनी की मां के रूप में सितंबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगुना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में सिर्फ बिर्क ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ
जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड 19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के प्रदास राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पते पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अब बढ़ता है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुराण तत्वविद है जो सिद्धू पंत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सेना इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्रीराम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है नहीं जाता। ये महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और वैथुम बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालत तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथेली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों में खाबाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है जहाँ वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद
सुहरावर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लालवनी से मिल जाते हैं जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालवनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपूर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के वजह मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी बिर्क और सरगुम मेहता अभिनीत। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट। अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगुना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में सिर्फ बिर्क के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के प्रदास के ब्रदर्स में मृत्यु सज्जे पर होता है। उनकी देखभाल उनके पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर गुणवत छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अभी बढ़ता है और है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुरान तत्वविद है जो सिद्ध पंत के मोहनजो दारो में मोटेमोर
हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो एक जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीय और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के योजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सेना इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्री राम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है में नहीं जाता। ये महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और वेथो बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालात तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथेली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थक हैं और महात्मा कुछ दिनों के बाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएगी। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लाल बनी से मिल जाते हैं जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालबनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के वजह मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए
देशद्रोही है, चरम पंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी बेल्ट और सरगुम मेहता अभिनीत थे। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट। अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगाना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबीला कबील की मां के रूप में रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क सरगुना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में फिल्म वीरक के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के प्रदास राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अभी बढ़ता है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुराण तत्वविद है जो सिद्धू प्रांत के मोहनजो दारो में मोटेमोट हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सीमा इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुख
दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है, हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्री राम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है, इसमें नहीं जाता। ये महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई, जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और वैथुम बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है, लेकिन कि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालत तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथेली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थक हैं और महात्मा कुछ दिनों बाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करते हैं, पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरवर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। फिर उन्हें माफ़ कर देते हैं लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लालवनी से मिल जाते हैं जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालवनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपूर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के बजाय मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। लेमी बिर्क और सरगुम मेहता अभिनीत। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट। अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी वीर के सरगना
मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में सिर्फ बिर्क के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के प्रदास राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पते पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अब बढ़ता है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुराण तत्वविद है जो सिद्धू प्रांत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं। अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सेना इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्रीराम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है में नहीं जाता। ये महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और बेथो बेगम के कहता है कि उसके पास
खुश होने का कई कारण है, क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालत तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथिली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों बाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है, जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं, तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं, जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लालवनी से मिल जाते हैं, जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालवनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपूर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के वजह मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। नेमी बिल्क और सरगुम मेहता अभिनीत। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट। अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगुना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और विप्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में सिर्फ विर्क के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पते पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए
लिए आगे बढ़ता है और है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुराण तत्वविद है जो सिद्ध पंत के मोहनजोदारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सेना इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्री राम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है नहीं जाता। ये महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन वसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और वेथों बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालत तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथेली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों में खाबाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेष में भयंकर से टकराते हैं जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लालवनी से
मिल जाते हैं जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालबनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपूर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के बजाय मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी बेर्क और सरगुन मेहता अभिनीत थे। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट। अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगाना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगुना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में सिर्फ बिर्क के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अब बढ़ता है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुराण तत्वविद है जो सिद्ध पंत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि यह उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा
तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं, लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम समाज इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्री राम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है उसमें नहीं जाता। ये महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई बश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथिली की बेटी से हुई, जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और बेथुम बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है, क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालत तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथिली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों के बाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेष में भयंकर से टकराते हैं जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लालवनी से मिल जाते हैं जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालवनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो जा गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के बजाय मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी विर्क और सरगुम मेहता अभिनीत। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त
शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट, अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबीला कबील की मां के रूप में रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में सिर्फ बिर्क के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के प्रदास राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पते पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अब बढ़ता है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुराण तत्वविद है जो सिद्धू प्रांत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाता है। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सेना इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्रीराम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है नहीं जाता। ये
महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई, जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और वेथुम बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है, क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालात तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथेली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों में खाबाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है, जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं, तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं, जो उन्हें एक अपराजिक महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लालवनी से मिल जाते हैं, जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालवनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपूर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो जा गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के वजह मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी बिर्क और सरगुम मेहता अभिनीत। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट। अमनी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपीदर रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जोत जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी वीर के सरगना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में फिर बिर्क के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर
18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अभी बढ़ता है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुरान तत्वविद है जो सिद्ध प्रांत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सीमा इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्री राम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है उसमें नहीं जाता। ये महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया वो शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन वसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और वेथो बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालत तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथेली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों के बाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद
सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लालवनी से मिल जाते हैं जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालवनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपूर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के बजाय मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी बिर्क और सरगुम मेहता अभिनीत। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट। अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगुना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में सिर्फ विर्क के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के प्रदास राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अब बढ़ता है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुराण तत्वविद है जो सिद्धू प्रांत के मोहनजोदारो में मोटेमोर
हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो एक जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाता है। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करने के करते हैं, लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सीमा इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्रीराम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है, उसमें नहीं जाता। ये महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई, जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और बेथुम बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है, क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालत तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथेली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों बाद खूनी दंगे को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेष में भयंकर से टकराते हैं जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लालवनी से मिल जाते हैं जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालवनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के बजाय मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए
देशद्रोही है, चरम पंथी हिंदू कट्टर पंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी विर्क और सरगुम मेहता अभिनीत, ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट, अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबीला कबील की मां के रूप में रूपीदर रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगुना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में सिर्फ विर्क के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अब बढ़ता है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुराण तत्वविद है जो सिद्धू प्रांत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सीमा इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुख
दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्री राम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है में नहीं जाता। ये महसूस करती है वे कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और बेथम बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालत तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथेली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों बाद खूनी दंगे को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लाल बनी से मिल जाते हैं जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालबनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपूर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के वजह मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी बेर्क और सरगुम मेहता अभिनीत। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट। अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क सरगना
मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत क्रू रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में फिर बिर्क के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत क्रू का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के प्रदास राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्जे पर होता है। उनकी देखभाल उनके पते पोते जिसका नाम संकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अभी बढ़ता है और है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुरान तत्वविद है जो सिद्धू पंत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाता है। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सेना इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्री राम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है इसमें नहीं जाता। ये महसूस करती है कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालत तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें
पता चलता है कि मिथिली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों के बाद खूनी दंगे को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है जहां वह अपने पुराने घर का दौरा करता है और अपने नुकसान पर विलाप करता है, पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लाल बनी से मिल जाते हैं जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालबनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपना की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो जा गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के बजाय मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी विर्क और सरगुम मेहता अभिनीत ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत टू की कास्ट अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना मेहना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपी बनी की मां के रूप में सतंगत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगुना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बीप्रॉक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में फिर विर्क के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के प्रदास राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए आगे बढ़ता है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता
कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुरान तत्वविद है जो सिद्ध पंत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो एक जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि यह उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सीमा इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्रीराम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है नहीं जाता। ये महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और वैथुम बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालत तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथेली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों का बाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेष में भयंकर से टकराते हैं जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लालवनी से मिल जाते हैं जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालवनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो जा गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी
तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के वजह मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी बेल्फ और सरगुम मेहता अभिनीत। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट। अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी। एक साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगुना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बी प्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में सिर्फ बीरक के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्ज पर होता है। उनकी देखभाल उनके पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अब बढ़ता है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुराण तत्वविद है जो सिद्धू पंत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करने के
करते हैं, लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सेना इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्री राम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है, उसमें नहीं जाता। ये महसूस करती है कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया में शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मैथिली की बेटी से हुई, जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और बेथुम बेगम के कहता है कि उसके पास खुश होने का कई कारण है, क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालात तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मैथिली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों के बाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है, पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लाल बनी से मिल जाते हैं जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालबनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपर्णा की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के वजह मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा। एमी विर्क और सरगुम मेहता अभिनीत। ये फिल्म 2018 की फिल्म किस्मत का सीक्वल है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अक्टूबर 2020 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई। ये फिल्म 23 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान में फिल्म अब तक की शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म में जगह बताती है। फेंकना किस्मत 2 की कास्ट। अम्मी विर्क शिवजीत सिंह के रूप में, बानी कौर के रूप में सुलगना महना, तानिया मजाज कौर के रूप में कबील की मां के रूप में रूपी, बनी की मां के रूप में सतंगबत कौर, जानी के रूप में कबील सिंह, बानी के पति उत्पादन। किस्मत की सफलता के बाद फिल्म की कल्पना की गई थी एक
साक्षात्कार में निर्देशक जगदीप सिद्धू ने बताया कि फिल्म की टीम पिछली फिल्म की तरह एक और फिल्म लाने पर काम कर रही थी। एमी विर्क, सरगुना मेहता, जगदीप सिद्धू, जॉनी और बीप्राक सहित ये टीम एक सीक्वल की योजना बना रहे हैं। मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया कि किस्मत 2 रास्ते में है। मई 2019 में सिद्धू ने उसी क्रू के साथ सीक्वल की पुष्टि की। जुलाई 2019 में सिर्फ बीर्क के ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पैंडल पर भी फिल्म की पुष्टि की। 11 दिसंबर 2019 को सिद्धू ने किस्मत 2 का शीर्षक पोस्टर 18 दिसंबर 2020 को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया। जुलाई 2020 को पहले सप्ताह तक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्वल की शूटिंग में देरी हुई। अंत में फिल्मांकन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत 1999 में 89 वर्षीय हिंदू व्यक्ति संकेत राम के प्रदास राम के ब्रदर्स में मृत्यु सज्जे पर होता है। उनकी देखभाल उनके पते पोते जिसका नाम सकेत राम भी है द्वारा किया जाता है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक कथाएं लिखते हैं। और उनके परिवार के डॉक्टर मुनव्वर छोटा राम बताता है कि कैसे वो अपने दादा की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और अपने दादा की अजीब कहानियों में से एक की बताने के लिए अभी बढ़ता है और है और जिसे वो अपने अगले उपन्यास के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि उनका पोता कहानी सुनता है और मरते हुए सकेत राम उसे फिर से जीवित करते हैं। दृश्य 1946 में कट जाता है जब राम और उनके पठान मुस्लिम मित्र अमजद अली खान पुरान तत्वविद है जो सिद्धू प्रांत के मोहनजो दारो में मोटेमोर हिलर के तहत एक साथ काम कर रहे हैं जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे हैं। राम और अमजद पाकिस्तान के नियोजित विभाजन और आगामी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं, अमजद भारत में रहने का फैसला करता है क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो शरिया कानून के तरह नहीं रहना चाहते हैं। दंगों के डर से पूरा तात्विक स्थल बंद होने के बाद युवा राम अपनी पत्नी अपर्णा के साथ कलकत्ता और लौट आए। घर के रास्ते में वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान दंगों और अराजकता को देखता है। कुछ खाने के लिए बाहर निकलते समय राम एक समूह मासूम सिख लड़की को मुस्लिम भीड़ से बचाने की कामयाब हो जाते हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसके परिवार को दर्जी अल्फात और मुसलमानों के एक समूह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। वे अपर्णा से के साथ बलात्कार करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि मुस्लिम सेना इमारत में प्रवेश कर रही है। अपर्णा का गला काट दिया और भाग गया। अपने दुखद नुकसान का सामना करने में असमर्थ राम अपनी बंदूक लेता है और उनकी पीछा करने का प्रयास करता है। वो अल्ताफ को खोजने का प्रबंध करता है जो दया की भीख मांगता है। हालांकि राम उसे मार देते हैं। राम सड़कों पर हिंसा करने वाले मुसलमानों पर तक गोली चलाना जारी रखता है। तब कि वो श्रीराम भयंकर एक तंजावुर मराठी है जो एक हिंदुओं के एक समूह को नेतृत्व कर रहा है इसमें नहीं जाता। ये महसूस करती है हुए कि वे दोनों हिंदू हैं और इस प्रकार दुश्मन नहीं है। भयंकर राम को अपनी मिलिशिया शामिल होने का मौका देता है। भयंकर राम को सूचित करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है और उसे पढ़ने के लिए गांधी विरोधी बयानबाजी पर एक प्रतिबंधित पुस्तक देता है। 1947 में अब अपने गृहनगर तंजावुर लौटकर राम के भाई वैश्यम और बहन बसंता ने अपने पुनर्निवास करने का आग्रह किया। उनके बाद उनकी शादी पारिवारिक मित्र मिथेली की बेटी से हुई जबकि उसकी शादी पूरे गांव में मनाई जा रही है। राम अपने बचपन के दोस्त बेथा और बेथो बेगम के कहता है कि उसके पास
खुश होने का कई कारण है, क्योंकि भारत के विभाजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक हालत तलाक हो रहा है। अपनी पहली रात के दौरान उन्हें पता चलता है कि मिथिली उनके परिवार की तरह गांधी के समर्थन है और महात्मा कुछ दिनों बाद खूनी दंगों को बरसी पर कलकत्ता आएंगे। राम अकेले कलकत्ता की यात्रा करता है, जहां वो अपने पुराने घर का दौरा करते हैं और अपने नुकसान पर विलाप करता है। पर फिर वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है जो खूनी दंगों के बारे में गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहर वर्दी का सामना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे दंगों की पूरी जिम्मेदार लेते हैं, तो दोनों इसे स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। भीड़ उन्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन राम मना कर देते हैं। हालांकि राम पहले तो अलग रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मिथिला से प्यार हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी हनीमून पर राम और मिथिली एक भेस में भयंकर से टकराते हैं, जो उन्हें एक अपराजित महाराजा से मिलवाता है। भयंकर और महाराजा के साथ एक शिकार पात्र के दौरान राम कलकत्ता के अपने पुराने सिद्धि मित्र मनोहर लालवनी से मिल जाते हैं, जिन्होंने दंगी में अपना परिवार और घर खो दिया था। लालवनी के दुख को देखने के बाद राम को पता चलता है कि वो अभी भी अपना की हत्या पर काबू नहीं पा सकता है और उसकी नफरत फिर से कायम हो गई है। भयंकर और महाराज के समूह का मानना है कि गांधी भारत के विभाजन और दो धर्मों के बीच हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और मानते हैं कि वो अपने हिंदू लोगों के बजाय मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए देशद्रोही है। चरमपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के रूप में वे गांधी की हत्या की साजिश रचते हैं और राम को काम करने का काम सौंपते हैं। घुड़सवारी दुर्घटना के कारण भयंकर को चतुर्भुज छोड़ दिया जाता है और राम ने कसम खाई कि वो व्यक्तिगत संबंध को त्याग देगा और गांधी की हत्या के अपने काम को जारी रखेगा।